अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ के सर्जना विधायक अतुल प्रधान व न्यूट्रमा हॉस्पिटल से जुड़ा विवाद राजनीतिक गलियारों से होता हुआ विधानसभा तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी जांच कराने की बात कही है। वहीं प्राइवेट चिकित्सकों की संस्था IUMA ने कहा है कि वह किसी भी दशा में किसी चिकित्सक के साथ गलत नहीं होने देंगे। यदि सपा विधायक अतुल प्रधान अनशन पर बैठ रहे हैं तो वह भी अनशन पर बैठने के लिए तैयार है। सपा विधायक अतुल प्रधान की लगातार बढ़ती जा रही अराजकता का पानी अब सर से ऊपर जा चुका है। इसका अब हर स्तर से विरोध किया जाएगा। IUMA ने मीडिया के सामने राकेश उपल मामले में ADM की रिपोर्ट का एक बड़ा पार्ट छिपाते वह अंश भी दिखाया जो न्यूट्रमा के पक्ष में था। इस पार्ट में वेंटिलेटर चार्ज लेने के बावजूद इससे जुड़े अन्य चार्ज ले जाने का उल्लेख किया गया था। IUMA ने उसे छिपा लिया। जब इस तरफ ध्यान दिलाया गया तो जवाब यही आया कि डॉक्टर संदीप गर्ग ने, जो कि न्यूट्रमा के निदेशक हैं, ने उन्हें इतना ही भेजा है। यहाँ बात हो रही है उस वृद्ध की जिसके हाथ से बीते दिवस प्राइवेट चिकित्सकों के जुलूस के दौरान ADM की उस रिपोर्ट को छीन लिया गया था जिसमें न्यूट्रमा को अतिरिक्त शुल्क वसूले जाने का दोषी बताया गया था। अतुल प्रधान व न्यूट्रमा हॉस्पिटल विवाद में बुधवार की शाम एक बार फिर IUMA ने मेरठ नर्सिंग होम एसोसिएशन व न्यूट्रमा के बैनर तले यह खुली चेतावनी। हालांकि IUMA अध्यक्ष डॉक्टर शिशिर जैन ने यह भी कहा कि IUMA का न्यूट्रमा विवाद से कोई लेना देना नहीं है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नर्सिंग होम व न्यूट्रमा ने आहूत की है। हाँ, अगर बात चिकित्सकों की आएगी तो IUMA किसी भी चिकित्सक का किसी भी दशा में उत्पीड़न नहीं होने देगा। नवंबर माह के शुरू में अतुल प्रधान की न्यूट्रमा हॉस्पिटल में एक मरीज के भुगतान को लेकर बहस हुई थी। न्यूट्रमा की तरफ से अतुल प्रधान समेत करीब 40 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें गाली गलौज छातापाई जैसे संगीन आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने इस मामले में अतुल प्रधान के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। आज बुधवार को यह मामला विधानसभा में उठाया गया। अंत में CM योगी ने इसकी जांच कराने की बात कही। उधर आज IUMA मेरठ नर्सिंग होम एसोसिएशन व न्यूट्रमा की तरफ से मेरठ में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। यहाँ कुछ ऐसा ही नजारा देखने में आया। देखिए, उन्होंने दवाई वगैरह का किया था उपल साहब ने कि एंटीबायोटिक की जो है मरीज को दी जाने वाली दवाई में दवाई देने का ट्रीटिंग फिजिशियन का ही होता है। उक्त में मरीज का इलाज तर्क संगत प्रतीत होता है। आख्या महोदय की सेवा प्रस्तुत प्रेषित है पंकज शर्मा अपर जिलाधिकारी वित्त एंड राजस्व। आपने पूरी रिपोर्ट पढ़ी है? जो मेरे पास रिपोर्ट आई है मैंने आपके सामने, उस रिपोर्ट का ऊपर वाले ही पोर्शन जो है एक लाइन जो है उसे एक बार पढ़ लीजिए। आपको पढ़ा देता हूँ। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि वेंटिलेटर का जो चार्ज लिया गया है उसके अलावा भी ऑक्सीजन और बाकी सारे उस पर चार्जेस लिए गए हैं जो कि उचित प्रतीत नहीं होता है। तो आप प्रेस के सामने आधा अधूरा सत्य दिखा रहे हैं। देख लीजिए, मेरे सामने एक बात भी कही थी कि वो DM ने फिर उस रिपोर्ट को सही किया। ऐसा होता है जब पेशेंट वेंटिलेटर में है, पेशेंट को ऑक्सीजन चाहिए, वो वेंटिलेटर के चार्ज में इंक्लूड होती है। लेकिन जिस दिन पेशेंट को वेंटिलेटर नहीं लगा है, पेशेंट को अलग से ऑक्सीजन दी जा रही है, तो ऑक्सीजन चार्ज लगता है। ADM की रिपोर्ट में कहा गया, मैं नहीं कह रहा, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि उसमें उन्होंने लिखा हुआ है उचित प्रतीत नहीं होता, प्रतीत लिखा हुआ है, प्रतीत उन्होंने प्रतीत होता है, उसका जवाब हम दे रहे हैं उचित प्रतीत नहीं होता है, नहीं बोल रहे हैं ना वो, तो उसका जवाब ये है कि आज वेंटिलेटर से मरीज को हटाया, कल ऐसा नहीं कि वेंटिलेटर से हट गया तो उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी, अगले एक दिन दो दिन तीन दिन तक आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं कि वेंटिलेटर से हटी मरीज की एकदम छुट्टी हो जाती है। मेरा कहना ये है कि ये जो रिपोर्ट है जो आपने दिखाई अध्यक्ष महोदय ने वो आधी अधूरी दिखाई। रिपोर्ट तो पूरी है। कहाँ दिखाई आपने? केवल स्क्रीनशॉट पे केवल उतना ही दिखाया? नहीं नहीं, डॉक्टर साहब मैं बोल देता हूँ, उनका सवाल ये कहना है कि ये जो शब्द है कि उचित प्रतीत नहीं होता, ये क्लीन चिट नहीं है, ये सवाल है, एक सवाल बार बार दिमाग में कौन रहा है कि ये जो मेडिकल IUMA है क्या ये व्यापारी संगठन की तरह काम करती है या कुछ और दूसरा तरीका है? व्यापारी संगठन की तरह से काम नहीं करती, तो इसमें जो सही होगा हम उसका साथ देंगे, सबका साथ देंगे। मेरा सवाल है मनीष में, दोबारा से करिए, जो मतलब कोई भी है, कोई भी डॉक्टर है, हम उसका फेवर लेंगे,
ऐसा कुछ है, ऐसा एसोसिएशन में है या हम लोग आईएमए की एक एथिकल लीगल कमेटी है, अगर कोई डॉक्टर कोई पेशेंट अगर शिकायत करता है तो हमारे पास उसकी आती है, हम उससे बंधन करते हैं, उससे बात करते हैं, मरीज को बुला के बात की जाए तो आपसे नहीं है। जैसे राकेश उप्पल का ही मामला है, एक संभ्रांत लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उस दौरान वो व्यक्ति आ जाता है, उसके साथ में जो कुछ भी किया उसके पेपर फाड़ दिए गए और उनकी रिपोर्ट में साफ साफ दिखा रहे हैं कि न्यूट्रीमा उसके लिए दोषी है। जैसे रिपोर्ट दिखाई उन्होंने उसको कॉल कर दिया, हो सकता है वो जो भी कुछ उनके दिमाग में आया हो उन्होंने कॉल कर दिया, और जब उनसे कहा कि इनकी आईडी लीजिए, पीछे से आए थे कि इनकी आईडी लीजिए, उसके बाद पुलिस वाले उनको ले गए, हम लोग उनके पीछे नहीं उसके पीछे नहीं आगे। आपको माननीय विधायक जी की जो वीडियो है उसमें लिखा हुआ है कि भाग भगा भगा कर बुरी तरह से पीटा है, इस सत्यता के बारे में आपको आप बताइए। हम तो सर अपनी सत्यता कह रहे हैं जो हमने देखा, विधायक क्या कह रहे हैं हम बोल रहे हैं। एक चीज और भी है चिगारा साहब, और मैं आईएमए अध्यक्ष से भी सवाल जानना चाहूंगा कि ये आम लोगों में धारणा क्यों बन रही है कि हम लोग दवाओं के नाम पर इलाज के नाम पर अनाप शनाप बटोर रहे हैं, और उसके लिए आप लोग क्या रोकथाम कर रहे हैं विशेष रूप से आईएमए? आप अगर ऊपर साहब की इसकी बात करो, गंभीर मरीज आते हैं उनका इलाज तो होता ही है, गंभीर मरीज के इलाज में संभावना बनी रहती है। आम लोगों का क्या है, आम लोगों का नहीं है। आपने बताया ना जो नैरेटिव जिसकी आप बात कर रहे हैं कि दवाइयों महंगी दवाइयां क्यों लगाते हैं, बार बार इस बारे में बात होती है कि एमआरपी तय करना डॉक्टर्स का काम नहीं है, जो दवा मार्केट में है वो गवर्नमेंट का काम है उसको सेट करना। सर कल इसी बात को जो होलसेलर एसोसिएशन है उनके संरक्षक ने साफ साफ कहा कि एमआरपी आज की डेट में डॉक्टर्स तय कर रहे हैं कुछ दवाइयों के, मैं कुछ नाम ले सकता हूँ। अगर ये आप संज्ञान में लाइए, ठीक है, आप संज्ञान में लाइए, इसको हम रोकेंगे। हम भी उनके साथ बिल्कुल पूरी तरह से है, कल सुबह हमारी उनके साथ मीटिंग भी है, हमें कॉमन मेमोरेंडम आपको बताएंगे जो कॉमन पॉइंट है। हमारा भी ये पॉइंट है कि सरकार जो अगर एमआरपी किसी दवा पे 2x, 4x, 6x, 10x है तो उसको तय करे कि वो एक्स्ट्रा एमआरपी ना हो, और किस आधार पे वो तय करते हैं। सर एक मिनट, 10 रुपए की दवा 100 रुपए की क्यों बिकती? इसी के साथ मेरा एक दूसरा सवाल भी है आईएमए से कि जब ये इस तरह से मामला चल रहा है, पूरा मामला गंभीर चल रहा है, तो आप लोग प्रेस को क्यों आउट कर देते हैं? ऐसी कौन सी गोपनीय वार्ता आप लोग करते हैं जो केवल आप लोगों तक सीमित होती है, हमारे पास छन करके पहुंचती है? सर ये उन्हीं की इच्छा थी कि क्लोज डोर मीटिंग हो, आपको अगर ध्यान हो तो हमने यहाँ जीबीएम बुलाई हुई थी, कल भाजपा में भी हुआ, वो सब एक तरह से उनकी कॉल थी कि आपने डिप्टी सीएम से क्या बात की, उसका उससे कोई रिलेशन था? सर उन्होंने बकायदा हम लोग को इनवाइट किया और थोड़ी देर बाद बताया कि मीटिंग स्थगित हो गई है, और थोड़ी देर बाद प्रेस नोट आ गया कि आप लोगों की मीटिंग भी हो गई है, और ऐसा ही विधायक ने कहा था कि हम लोग की मीटिंग हो रही है। पहले बुलाया गया, फिर कह दिया नहीं और फिर हो गया जवाब, जिन्होंने कल जो होलसेलर की होगी उसमें मीडिया अलाउ होगी, आप स्वतंत्र हैं। मेरठ विकास प्राधिकरण ने न्यूट्रीमा को नोटिस जारी किए हैं उसके अवैध निर्माण को लेकर के, जो पार्किंग को लेकर के, तो उसमें आईएमए की क्या मत है? आईएमए उसमें कोई स्टैंड नहीं है, ये आईएमए डॉक्टर की है, जो उसकी वैधता अवैधता का जवाब तो डॉक्टर अमित देंगे। मैं केवल ये कह रहा हूँ आईएमए तक ना तो आज तक डॉक्टर अमित ने या न्यूटीमा के किसी मेंबर ने या किसी अन्य हॉस्पिटल के मेंबर ने आईएमए से यह कहा है कि भाई मेरा मेरठ विकास प्राधिकरण से केस चल रहा है, आप हमारी मदद करिए। ना आईएमए आज तक किसी ऐसे पर्सनल व्यक्तिगत काम के लिए किसी डॉक्टर के फेवर में गई है। ये जो समाज का काम है जो अतुल भटनागर ये अतुल प्रधान जी ड्रामा करके कर रहे हैं, हम लोग समाज का काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स के हित के लिए लड़ रहे हैं। आईएमए आज तक किसी भी नर्सिंग होम के फेवर में नहीं है। शक्ति प्रदर्शन किया गया वो ऐसा नहीं कि प्राधिकरण को भी आप नहीं 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 एक बार भी हमने कुछ प्राधिकरण के लिए कहा, कहीं भी नहीं कहा। क्या आप ये शब्द यूज कर सकते हैं डॉक्टर के लिए चोर है, लुटेरे है, अपने हुनर की नीलामी कर रहे हैं, वो अपने खून पता नहीं क्या खून चूसने वाले हैं, क्या ये शब्द एक विधायक को उचित लगते हैं कि एक डॉक्टर के लिए बोले? क्या विधायक ने कभी अपना इलाज नहीं करवाया होगा? ये लोग केवल एक झूठ को विदाउट एनी तथ्य
पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। मैं केवल दो उदाहरण दूंगा। सबसे पहले श्रीमती सीमा प्रधान जी ने कहा कि ये बिल जो 3-3.5 लाख का है ये एक दिन का है। उनको बता दिया गया कि ये 26-27 दिन का है। कल वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही है बिल 5 दिन का है। ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? मेरी समझ नहीं आ रहा है कि दिखाना क्या चाहते हैं। वो 4 तारीख को आमरण अनशन करेंगे तो हम उनके सामने अनशन पे बैठेंगे। अच्छा, हम लोग मैं ये नहीं कह रहा टिट फॉर टेट, लेकिन वो अपनी गुंडागर्दी अपने दबंगे के बल पे सब कुछ करते रहेंगे तो ये तो हमको सहन नहीं करेंगे। और डॉक्टरों की वो घबरा गए हैं, डॉक्टरों की यूनिटी को देख के, कल का देख के अनाप शनाप बातें कर रहे हैं कि 25 डॉक्टर थे आप लोगों के सामने, डॉक्टर थे, ओपन वाला चारक सारा था। क्लियर कट संदेश है IMA का कि अगर वो सड़क पे आएंगे तो सड़क पे आएंगे, वो धरने पे बैठेंगे तो हम लोग धरने पे बैठेंगे। डॉक्टर शिशिर ने बताया कि 4 लाख डॉक्टर हैं उत्तर प्रदेश में जो नर्सिंग होम के दे रहे हैं। पूरे हमारे उत्तर प्रदेश में बात हो गई है, हमारी पूरे इंडिया की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नेशनल से बात हो गई है, जो हमारे विदेश में जो डॉक्टर्स हैं उन लोगों से बात हो गई है। सब लोगों का सपोर्ट हमें मिल गया है। जहां तक जन सैलाब का, आज मेरे पास 50 फोन आए होंगे गांव से। ट्रैक्टर वो ही इकट्ठे नहीं कर सकते, हम लोग भी इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन हम एक सभ्य लोग हैं, बिल्कुल डर के काम नहीं करेंगे। आंदोलन का जवाब आंदोलन से देंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बनी रहेगी हमारी बराबर नजर। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।